पत्नी की आत्महत्या के बाद पति ने भी दी जान। अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान फांसी पर झूला। नेहरू नगर की घटना, पहली पत्नी ने भी की थी आत्महत्या। विश्व महिला दिवस आज। हर क्षेत्र में काम कर महिलाएं बन रही औरों के लिए प्रेरणा। कोई सामाजिक क्षेत्र में तो कोई गायन के क्षेत्र में कर रही है बेहतर प्रदर्शन। महिला दिवस पर आंदोलनरत महिला अध्यापकों ने किया बहिष्कार। सरकार से जताई नाराजगी। सांकेतिक रूप से फांसी के फंदे पर झूली। महिला दिवस पर मूवमेंट अगेंस्ट फॉर 90 सदस्य भी कूदे मैदान में। पत्नियों से बचाने की लगाई गुहार। पुरुष आयोग बनाने की दोहराई मांग। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश पहुंचे इंदौर। प्रदेश सरकार पर लगाए कई आरोप। कहा भ्रष्टाचार रोकना राज्य सरकार की जिम्मेदारी। वहीं केंद्र द्वारा राज्य सरकार को पर्याप्त पैसा देने की भी कही बात। देश के विभिन्न स्थानों और प्रदेश में अभिभाषकों पर हो रहे पुलिस के बर्बरतापूर्ण व्यवहार को लेकर मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा 11 मार्च को प्रदेशव्यापी प्रतिवाद दिवस मनाएगा। एक बार उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा तो उसने असली ठग बनकर दिखा दिया। जी हां, एरोड्रम पुलिस ने एक ऐसे ही ठगोरे को गिरफ्तार किया है जिसने अपने मालिक से बदला लेने के लिए उसके 2 दर्जन से ज्यादा ग्राहकों की गैस की टंकी धोखे से हड़प ली। शहर के मनोरंजन स्थल मेघदूत गार्डन में शुक्रवार को अचानक आग लग गई। आग बांस के पेड़ों में लगी थी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया लेकिन आग की चपेट में बांस के पेड़ झुलस गए। कॉलेज में छात्रों को गलत तरीके से एडमिशन देने के मामले में पुलिस ने कॉलेज संचालक सहित 2 डॉक्टरों को सीबीआई अदालत में पेश किया जहां से तीनों को 14 मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार बेचने वाले एक ऐसे आरोपी का भंडाफोड़ किया है जो हथियार भी खुद बनाता था और उसे बेचने का काम भी खुद करता था। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले के साथ साथ उन 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है जिन्होंने अवैध हथियार खरीदे थे। पुलिस ने 10 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बच्चे को एक धर्मशाला के पास ले गया था जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्चे के परिजनों ने इस मामले में थाने में प्रकरण दर्ज कराया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह की पत्नी आशा सिंह के निधन पर इंदौर में भी शोक सभा का आयोजन किया गया। राजपूत समाज और राजपूत क्लब द्वारा होटल में आयोजित शोक सभा में स्वर्गीय आशा सिंह को समाज के लोगों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। बहुचर्चित शहला मसूद हत्याकांड मामले में शुक्रवार को एक बार फिर पेशी का दौर चला जिसमें रिलायंस कंपनी के नोडल अधिकारी साईदत्त वोहरा और संतोष जादौन की गवाही होना थी लेकिन किन्हीं कारणों से दोनों गवाह अदालत नहीं पहुंच पाए। उधर सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे हेमंत शुक्ला का भी स्थानांतरण हो चुका है। इस बात की जानकारी अदालत को दिल्ली से आए सीबीआई के अधिवक्ता ने दी। लिहाजा अदालत ने दोनों ही मामलों पर गौर करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 10 अप्रैल तक बढ़ा दी। गोवर्धगिरी पर 17 मार्च को भगवान बाहुबली महामस्त का अभिषेक होगा। इस मौके पर 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन भी होगा। पत्रकार वार्ता में यह जानकारी देते हुए आयोजन समिति के अध्यक्ष कमल सेठी और सुरेंद्र जैन ने बताया कि महामस्तक का अभिषेक आचार्य विद्यानंद जी महाराज के सानिध्य में धूमधाम से होगा। महाशिवरात्रि पर्व पर श्री सिद्ध चिंतामण गणेश शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा एवं रुद्र यज्ञ के तहत शुक्रवार को सार्वजनिक हनुमान मंदिर राजेंद्र नगर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में जहां महिलाएं सिर पर कलश धारण कर चल रही थी तो भजन मंडली और वातावरण में भक्ति रस घोल रही थी।